वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप छोटे बच्चों को होने वाले जॉइंडस यानी यरकान से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। छोटे बच्चों में जॉइंडस जैसी कंडीशन से बचा नहीं जा सकता, यानी ये प्रिवेंटेबल नहीं है, बट स्टिल इसके लिए कुछ प्रिवेंशन है, कुछ एहतियाती तदाबीर है जिन पर अमल किया जा सकता है और इस कंडीशन से बचा जा सकता है। प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान खवातीन का ब्लड टाइप टेस्ट जो किया जाता है, और आपके बच्चे की पैदाइश के बाद भी उस बच्चे का भी ब्लड टाइप टेस्ट किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आया जॉइंटिस की वजह क्या है, आया इस बात का पता चलाया जा सके कि बच्चे और माँ के जो ब्लड टाइप इनकम्पेटेबिलिटी है, आया ब्लड टाइप का नाम मिलना तो इसकी वजह नहीं है, वो इन टेस्ट के जरिए जाहिर हो जाता है। और ये टेस्ट उस वक्त किए जाते हैं जब डॉक्टर को ये जरूरी लगता है कि जॉइंटिस की वजह ब्लड टाइप का नाम मिलना है, तब ये टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपके बच्चे को जॉइंटिस हो गया हो तो इन बातों पर अमल करके जॉइंटिस को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है, इसको सीवियर होने से रोका जा सकता है, इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। इस बात को यकीनी बनाएं, इस बात की अश्योरिटी कर लीजिए कि बच्चे को माँ के दूध के जरिए पूरी गजाइत न्यूट्रिशन जो मिल रहे हो। इसके लिए माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को पैदाइश के बाद कई दिनों तक एक दिन के अंदर 8 से 12 दफा दिन में दूध पिलाए, उसको ब्रेस्ट मिल्क फीड करे ताकि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो, यानी पानी की कमी ना हो, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क को फीड करने की वजह से बच्चों के जिस्म से माँ के दूध की वजह से बच्चे के जिस्म से बिलीरुबिन ज्यादा जल्दी से बाहर निकल जाता है और बच्चों की जॉइंटस जैसी कंडीशन में बेहतरी आती है। नेक्स्ट, अगर आप ऐसी माँ हैं जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही हैं और माँ के दूध की बजाय बेबी फार्मूला ये डिब्बे वाला दूध पिला रही है, तो इसके लिए माँ को चाहिए वो अपने बच्चे को पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में दिन में हर 2 से 3 घंटों के बाद इस फार्मूला दूध की मकदार जो कि 1 से 2 औंस होगी अपने बच्चे को पिलाएं। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जो वक्त से पहले हो जाते हैं, यानी आपका बच्चा प्री टर्म बेबी है, ये साइज में छोटे बच्चे हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो फार्मूला दूध के साथ अपनी माँ का दूध भी पीते हैं, इन बच्चों के लिए फार्मूला दूध की मकदार कम दी जाएगी। इन तमाम बताए गए बच्चों के लिए फार्मूला दूध की मकदार जो है वो कम दी जाएगी, लेकिन जो बच्चे नॉर्मल हों और माँ का दूध ना पीते हों तो ऐसे बच्चों को पहले बताई गई मकदार ही देनी चाहिए, लेकिन 3 टाइप के बच्चों को इस मकदार से कम दूध देना चाहिए, जो कि प्री टर्म बेबी हैं या छोटे बच्चे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो डिब्बे वाले दूध के साथ अपनी माँ का भी दूध पीते हैं, यानी ऐसे बच्चे दोनों तरह की फीड ले रहे होते हैं, इनको डब्बे वाला दूध कम देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपका बच्चा फार्मूला दूध की बहुत कम मकदार पी रहा है या बहुत ज्यादा पी रहा है, दोनों सूरतों में डॉक्टर से जरूर बात करें, या फिर अगर आपका बच्चा 24 घंटों में 8 दफा भी दूध पीने के लिए ना उठता हो, नींद से ना जागता हो, तो इस बारे में डॉक्टर से जरूर बात करें। आप अपने बच्चे में खुद भी यरकान की अलामत को केयरफुली मॉनिटर कर सकती हैं, खासतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 5 दिन तक 2 अलामतों को लाजमी नोट करें। मिसाल के तौर पर बच्चे की जिल्द, आंखों का रंग पीला हो, जैसे ही आपको ये अलामत नजर आए तो फौरी डॉक्टर से रब्ता करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।